तुला राशि वालों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। आज 12 जुलाई शुक्रवार का दिन है। उत्तरा फागुनी नक्षत्र में सूर्य के प्रभाव से दिन की शुरुआत हो रही है। सूर्य आपके लाभ स्थान का स्वामी इस समय आपकी कुंडली के भाग्य भाव पर बैठा है। 4:09 तक सूर्य का प्रभाव आपको प्रभावित करता रहेगा। उसके बाद हस्त नक्षत्र का उदय होगा और चंद्रमा के प्रभाव से आप प्रभावित हो जाएंगे। चंद्रमा इस समय आपकी कुंडली के द्वादश में केतु के साथ गोचर कर रहा है। भाग्यशाली दिन है, सौभाग्य आपका जागने वाला है और आपके जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन होने वाले हैं, क्योंकि आज का दिन काफ़ी लाभकारी और भाग्यशाली दिन है। क्योंकि आज मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है और मंगल का बृहस्पति के साथ युक्ति बनने वाली है। आज रात 7:12 जब मंगल बृहस्पति के साथ गोचर करेगा, मंगल का राशि परिवर्तन होगा और आपकी कुंडली में बृहस्पति मंगल की युक्ति बनेगी। ये समय आपके लिए काफ़ी लाभकारी होगा। 26 अगस्त तक बृहस्पति मंगल एक साथ आपकी कुंडली में गोचर करेंगे। इन 46 दिनों के अंदर आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव भी होंगे। नौकरी, व्यापार, हेल्थ वेल्थ, परिवार की स्थिति, जीवन का सुख है, भाग्य सब कुछ बदलेगा। मंगल का राशि परिवर्तन जब शाम 7:12 पर होगा तो मंगल ग्रह बड़ी खुशखबरी लेकर बृहस्पति के साथ युक्ति करेगा। हर काम आपके सफल होंगे, लाभ होगा, तरक्की उन्नति आपकी जीवन में देखने को मिलेगी, सुख बढ़ता चला जाएगा और धन आता रहेगा। आपके अच्छे दिन आ गए हैं। अभी से लेकर 26 अगस्त यानी 46 दिन आपके लिए काफ़ी लाभकारी होगा। आज चंद्रमा 7:12 के बाद बृहस्पति मंगल के साथ नवम पंचम योग बनाएगा और सूर्य चंद्रमा के साथ चतुर्दशम योग। उत्तरा फागुनी नक्षत्र का सूर्य और हस्त नक्षत्र का चंद्रमा की शक्ति से आपकी जीवन में परिवर्तन और अच्छे दिनों की शुरुआत होगी। धन दौलत आपकी जीवन में बढ़ेगा, क्योंकि मंगल का बृहस्पति के साथ युति होना बड़ा लाभकारी साबित होगा। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि, अचानक से आपके जीवन में तरक्की, शानदार जीवन, भाग्यशाली योग, प्रभावशाली धन कमाने का अवसर देने वाला लाभकारी दिन होगा। तुला राशि वालों, आपके जीवन में बड़े परिवर्तन, मनचाहा परिणाम आपको तेजस्वी बनाएगा, यशस्वी बनाएगा। सुख समृद्धि के साथ जीवन में आप तेज गति से आगे बढ़ेंगे। प्रभावशाली जीवन बड़ा सुख देगा। सफलता, कामयाबी की प्राप्ति होगी। सुख आनंद आपके जीवन में बढ़ेगा। तरक्की के रास्ते भी खुलेंगे। धन कमाने का साधन भी मिलेगा। अनुकूल स्थिति कार्य की सिद्धि करेगा और बृहस्पति का गोचर मंगल के साथ होने से कर्म भाव भी जागृत होगा, लाभ स्थान भी जागृत होगा, सुख और भाग्य भी आपका जागृत होगा। काम कारोबार में तरक्की का योग है। 26 अगस्त के अंदर जो लोग बेरोजगार हैं उनके जीवन में नई नौकरी का योग है। आपके कारोबार का विस्तार भी इसी दौरान होगा। धन संपत्ति बढ़ेगा, खूब तरक्की करेंगे, मान सम्मान की वृद्धि होगी और परिवार की स्थिति आपकी बहुत मजबूत होगी। क्योंकि आज ये दिन आपके लिए ऐसा सुख लेकर आया है, ऐसा संयोग बना रहा है। एक ओर तो बृहस्पति मंगल का युति हो रहा है, दूसरी तरफ आपकी कुंडली के कर्म स्थान पर शुक्र और बुध बैठा है। ग्रहों को देखें तो शुक्र आपके लग्नेश लग्न का स्वामी है और बुध आपका भाग्येश भाग्य का स्वामी है, कर्म स्थान पर गोचर कर रहा है। वहीं आपकी कुंडली में धन का स्वामी मंगल पराक्रम के स्वामी बृहस्पति के साथ अष्टम भाव में गोचर कर रहा है। भाग्य सौभाग्य जागता है जब सूर्य लाभ स्थान का स्वामी होकर भाग्य भाव पर गोचर करता है। जीवन की स्थिति बदलती है,
जब चंद्रमा मंगल, बृहस्पति और सूर्य से प्रभावित हो जाता है, लाभ और जबरदस्त सफलता, प्रेम संबंध में मिठास, शुभ समाचार और आपके भाग्य का उदय होना ऐसा योग बनाता है। पूरे 12 साल के बाद आपकी कुंडली पर ऐसा योग बन रहा है जो अपार खुशी, सुख, सौभाग्य को बढ़ाने का काम करेगा। बृहस्पति का मंगल के साथ बनने वाला दुर्लभ संयोग जो आपकी किस्मत को चमकाएगा। भाग्य अनेक प्रकार की सुख फल आपको प्रदान करेगा। आपकी जीवन में ये समय बड़ा मंगलकारी होने वाला है। अनेक प्रकार की उपलब्धि, तरक्की, सुख, सौभाग्य जो आपके सपनों को पूरा करेगा, आपके जीवन में सौभाग्य भाग्य को जगाएगा। और बृहस्पति का गोचर मंगल के साथ बड़ा ही शक्तिशाली माना जाता है। ये राजयोग कहलाता है जो आपके जीवन को बदल के रख देता है, यानी जीवन में अपने अधूरे सपनों को पूरा करने की शक्ति जागृत हो जाती है। किस्मत चमक उठता है, धन समृद्धि से परिपूर्ण साहस शक्ति आपके जीवन में बेहद शुभ फल प्रदान करता है। भाग्यशाली, सौभाग्यशाली योग आपके लिए लाभ लेकर आता है। आपकी कोई बड़ी इच्छा भी पूरी होगी। जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगा। नौकरी में कई अच्छे अवसर मिलेंगे। अगर आपके ऊपर कोई कर्ज है तो वो कर्ज से छुटकारा भी इसी दौरान आपको मिलेगा और आमदनी के स्रोत भी खुलते चले जाएंगे। यानी भाग्य आप पर पूरी तरह मेहरबान हो गया है। बड़े लाभ के अवसर और धन का सुख आपको प्राप्त होने वाला है। ये समय आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। बड़ी सफलता हासिल करेंगे और स्टूडेंट के जीवन में आत्मविश्वास, साहस का वृद्धि होगा। ऐसे में आपके जीवन में बेहतर परिणाम की प्राप्ति होती है। आपको अपने मेहनत का परिणाम मिलता है और जीवन सुखी होता है। आप भाग्यशाली होते हैं। आज का दिन काफी लाभकारी दिन है, काफी सौभाग्यशाली दिन है, क्योंकि आपकी कुंडली के सुख स्थान पर आज बृहस्पति की दृष्टि है। आपकी कुंडली के सुख स्थान पर बुध और शुक्र की दृष्टि है। ये समय परिवर्तन का है, सुख पाने का है, धन कमाने का है, जीवन में तरक्की, उन्नति करने का समय है, क्योंकि आज आपकी कुंडली पर पंचम भाव में शनि का गोचर हो रहा है। छठे भाव पर राहु विराजमान है। सप्तम भाव में बैठा मंगल बृहस्पति के साथ गोचर करने वाला है। वहीं आपकी कुंडली के कर्म स्थान पर बुध शुक्र की युक्ति है। द्वादश में केतु चंद्रमा के साथ है, जिसके ऊपर बृहस्पति की पंचम दृष्टि पड़ रही है। किस्मत जाग जाता है, सुख बढ़ने लगता है, आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। समय अच्छा बीतता है, परिवार के साथ सुख के साधन बढ़ते हैं। जीवन अनेक प्रकार की उपलब्धि आपको प्रदान करता है। ऐसे समय में आप बड़े भाग्यशाली होते हैं। संपत्ति आपकी जीवन में बढ़ता है, भाग्य में जबरदस्त वृद्धि होती है। एक नई संभावना आपके लिए काफी लाभ लेकर आता है। समय बड़ा अनुकूल है। अगर अपने जीवन में आप बड़ी सफलता पाना चाहते हैं तो योजना बनाकर काम करें, नई जिम्मेदारी को निभाने का काम करें, तो व्यापार का विस्तार भी होगा। धन कमाने के कई अच्छे अवसर मिलेंगे। मान सम्मान, सुख का विस्तार होगा। दिन आपके लिए लाभकारी और सौभाग्यशाली होगा। आप बड़े किस्मत वाले, भाग्यशाली होंगे। उत्तर दिशा की तरफ आपका भाग्य उदय होगा, तो दिन की शुरुआत आप उत्तर दिशा की तरफ से करें। धन से संबंधित थे किसी भी मामलों में आपको लाभ की प्राप्ति होगी। कार्य की योजना गति पकड़ेगी। प्रभावशाली जीवन बड़ी सफलता लेकर आएगा। धन कमाने का अवसर देगा, स्थिति में सुधार करेगा। भाग्यशाली आप हैं। आज आपकी कुंडली पर ऐसा योग बन रहा है जो आपकी किस्मत को बदल कर रख देगा। आपके लिए लकी कलर रेड होगा, लकी नंबर 4 होगा। वहीं राहु काल 10:43 से 12:27 पे राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें। भाग्य बदल रहा है, दिन बड़ा भाग्यशाली है, मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है,
बृहस्पति के साथ मंगल का गोचर होगा। अमृत काल सुबह 8:01 से 9:50 आपकी जीवन में परिवर्तन आरंभ हो जाएंगे। सुख सौभाग्य आपका बढ़ेगा। शाम 6:58 के बाद भाग्य आपका चमकेगा। ऐसा योग है जो आपकी जीवन में मनचाहा परिणाम देता है, जो जीवन की रुकावटों को दूर करता है। भाग्य आपका साथ देगा और आपकी जीवन में परिवर्तन का सुंदर योग बन रहा है जो शुभ फल प्रदान करेगा। महत्वाकांक्षा इच्छा आपकी पूरी होगी, मजबूत इरादे होंगे, दिन भाग्यशाली होगा, सफलता कामयाबी धन से परिपूर्ण होंगे आप। तो तुला राशि वालों, चलिए जानते हैं विस्तार से आज का तुला राशि फल। जय श्री राम, जय हनुमान, ओम श्री हनुमंते नमः। संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान, निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सम्मान, तेहि के कारण सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। तुला राशि वालों, 12 जुलाई शुक्रवार का दिन, आषाढ़ माह शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि 12:32 तक, उसके बाद सप्तमी तिथि का उदय होगा। परिग योग है उत्तरा फागुनी नक्षत्र, 4:09 तक सूर्य स्वामी है, उसके बाद हस्त नक्षत्र जिसका स्वामी चंद्रमा है। सूर्य चंद्रमा के प्रभाव से आज का दिन प्रभावित होगा। शाम 7:12 पर मंगल का राशि परिवर्तन और आपकी कुंडली में बृहस्पति के साथ मंगल का गोचर 26 अगस्त तक 46 दिन के लिए मंगल बृहस्पति का एक साथ गोचर करना आपके कार्य में सफलता, जीवन में सुख है, धन का लाभ लेकर आएगा। आपके लिए ये जो समय है बड़ा भाग्यशाली साबित होगा। नई नई योजना बनाकर जीवन में बड़े लाभ आप अर्जित करेंगे। मनचाहा परिणाम आपकी स्थिति को बदलेगा। प्रेम के संबंध अच्छे होंगे, पारिवारिक जीवन सुख देगा, भाग्यशाली आप होंगे। चंद्रमा का बृहस्पति मंगल के साथ नवम पंचम योग, सूर्य का चंद्रमा के साथ चतुर्दशम योग, शुक्र बुध का आपकी कुंडली के कर्म भाव पर गोचर करना, लाभ का स्वामी सूर्य का भाग्य स्थान पर बैठना और पंचम भाव पर शनि का गोचर करना काफी प्रभावशाली होगा। शाम 6:58 के बाद आपका भाग्य उदय होगा। दिन आपके लिए बड़ा लाभ लेकर आया है। ब्रह्म मुहूर्त 4:10, अभिजीत मुहूर्त 11:59, विजय मुहूर्त 2:45 काफी लाभकारी होगा। जबकि अमृत काल सुबह 8:01 से जीवन में परिवर्तन, सुख और खुशी की प्राप्ति आरंभ हो जाएगी। अच्छे समय की शुरुआत हो चुकी है जो बड़ा सुख देगा, भाग्यशाली बनाएगा। राहु काल 10:42 से 12:27, राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें। तुला राशि वालों, आप हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय।